आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ओबीसी की पैरोकारी भी करते हैं, जातिगत जनगणना भी करा लेते हैं, लेकिन संसद में एससी एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करते हैं, बिल फाड़ देते हैं। तो दलितों से आज पीडीए कह रहे हैं, दलितों से लेना देना आज है, 10 साल पहले नहीं था। देखिए गरिमा जी, इस जो सवाल आपने खड़ा किया कि एससी एसटी का प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था, बिल फाड़ा था, वो गलती समाजवादी पार्टी ने स्वीकार की है जी। और उसी गलती को ठीक करने के लिए हम लोग पीडीए लेकर के आए हैं, और पीडीए की समाजवादी पार्टी पीडीए को प्राथमिकता दे रही है। इसीलिए हम लोगों ने इस बात को लगातार कहा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जब तक देश में नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहेगी। कैसे करेंगे सामाजिक न्याय की अवधारणा, बराबरी कैसे लाएंगे, जब तक आप नहीं जान रहे हैं कि कौन कितना है, कितने लोग शैक्षिक रूप से पिछड़ गए, कितने लोग सामाजिक रूप से पिछड़ गए, कितने लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कितने लोग राजनीतिक और धार्मिक रूप से पिछड़े हैं, तो सामाजिक न्याय की और सामाजिक समरसता की बात आपकी अधूरी नहीं रहेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों की जाति जनगणना के खिलाफ है, अब कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपने पिछड़ा बना दिया, क्या वो पिछड़ा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कैबिनेट में जातीय जनगणना लाने की बात कर सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश में पिछड़ों को उतना भी आरक्षण नहीं मिल रहा जितना अभी तक मिलना चाहिए, उसको क्या बढ़ा सकते हैं? क्या दलितों के हक, आदिवासी के हक की बात छत्तीसगढ़ में इनके मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं? हम कह रहे मुख्यमंत्रियों को छोड़िए, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं। अगर आप पिछड़े हैं तो पिछड़ों की गिनती कराने में डर क्यों है? लेकिन सुनिए, आप नागपुर के इशारे पर काम कर रहे हैं, प्रश्न बहुत जायज प्रश्न नहीं हो जाता, क्योंकि आप सब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है और सत्ता सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी फैसले के एग्जीक्यूशन के लिए। आपने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, राजस्थान में लड़ा जी, उस समय भी आपने इस नैरेटिव को सामने रखा कि आप ओबीसी के पैरोकारी हैं, लेकिन जनता ने खारिज क्यों कर दिया? ये मैं कई मर्तबा सवाल पूछती हूं, कितना पोटेंट है ये ओबीसी का मुद्दा और आपकी बात में भरोसा जनता का? मैं जवाब दे रहा हूं गरिमा जी। एक तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बहुत शानदार और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं केवल ये कह रहा हूं, अभी आप जब ओपनिंग कर रही थी तो आपने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री रहते बिहार में 1976 और 77 में आरक्षण लागू कर दिया। आरक्षण की लड़ाई आते आते मंडल कमीशन आते आते 1990 हो गया, और अब जातीय जनगणना करके बिहार में बिहार पिछड़ों को और उस हिसाब से आरक्षण दे रही है। तो आप यह कहिए कि 1976 और 77 में जातीय जनगणना क्यों नहीं हो गई? और अगर किसी मुद्दे पर हम आज हार गए हैं तो इसका मतलब क्या उस मुद्दे को हम छोड़ देंगे क्या? अगर इसी तरीके से मुद्दे लोगों ने छोड़े होते तो 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो लोग एक दो दो चार पांच साल बाद आजादी की लड़ाई भूल जाते। बिल्कुल ठीक बात है सुनील सिंह साहब। जनाब एक और सवाल ये कि वो जो गठबंधन की पिच है ओबीसी जनगणना की, उसमें ममता बनर्जी का कोई सुर नहीं, उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई सुर नहीं, उसमें साउथ के दक्षिण भारत के जो नेता है, डीएमके आपकी पार्टी, डीएमके पार्टी शामिल है आपके गठबंधन में, उनका कोई से नहीं है, तो यहां ये यूनिफाइड अप्रोच की भी कमी है जातिगत जनगणना पर? देखिए नहीं, कोई कोई कमी नहीं। मुझे लगता है समाजवादी विचारधारा के लोग कब से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस ने पिछली बार जाति जनगणना कराई, आंकड़े सामने नहीं रखे, लेकिन हम अब कांग्रेस के नेताओं का भी धन्यवाद देंगे कि अब वो कह रहे हैं कि जब भी सरकार में आएंगे
हम पहला फैसला जाति जनगणना पर करेंगे। नहीं तो आप उनसे पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी पिछड़ों की बात कांग्रेस कर रही थी, पिछड़ों की बात कांग्रेस कर रही थी, इसीलिए तीन राज्य हार गई। लेकिन तीन राज्यों में उनका वोट परसेंटेज कितना है आप देखिए ना, क्या पिछड़ों ने वोट नहीं दिया क्या? मुझे लगता है कि अगर कोई मुद्दा है उस मुद्दे को हम लोग और आगे ले जाएंगे, पिछड़ों के बीच ले जाएंगे और हम समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एमपी एमएलए बना सकती है लेकिन आपके बच्चों को नौकरी नहीं देगी, सरकारी नौकरी नहीं देगी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं देगी। और साजिया इल्मी जी से पूछिए, जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी उसी का जवाब दे दे पूरी भारतीय जनता पार्टी कि अगर 90 आईएएस इस देश को चलाते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, क्या करेंगे वो, कैसे फैसला लेंगे वो? अगर तो नौकरी की बात में शाजिया से सवाल पूछ लेते हैं, ज्यादा ओबीसी है देर सवेर जैसे गरिमा जी, देर सवेर जैसे कांग्रेस आई है जाति जनगणना में, वैसे ही सर हाथ पैर पटक करके भारतीय जनता पार्टी भी एक दिन कहेगी हम जाति जनगणना कराएंगे, पिछड़ों को गिन करके उनके हिसाब से उनको हक अधिकार देंगे। शाजिया इल्मी आप